एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। जी गाइस, फाइनल डिविडेंड का जो ईमेल है ऑफिशियली आ चुका है। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनल डिविडेंड 2023-24 क्रेडिट इंटीमेशन। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे 12 सितंबर को ही ईमेल आ गया था, मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डियर शेयर होल्डर, यहाँ पे देख रहे री इंटीमेशन रिगार्डिंग रिमिटेंस ऑफ फाइनल डिविडेंड 2023-24 थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। यहाँ पे दिया है RTGS, NEFT, NSEH, तो NSEH की तरफ से ही आता है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट द फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 2023-24 70% ऑफ 7 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10 विच वॉज डिक्लेयर एट द एनुअल जनरल मीटिंग हेड ऑन 9 अगस्त 2024 एंड रिमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन August 28, 2024। द डिटेल्स ऑफ द डिविडेंड रिमिटेड टू योर बैंक अकाउंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड आर एस फॉलोज। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट अकाउंट रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, उसके बाद मेरा आईडी, मेरा नाम। ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स मेरे पास कितने थे, तो 7 से बेसिकली 7 नहीं था, टोटल 2 मिला के लगभग 17 के आसपास थे। 7 शेयर्स यहाँ पे दिखा रहा है। ग्रॉस डिविडेंड 49 का आता है, नेट डिविडेंड भी 49 रुपीज़ का ही आया है। ठीक है, और बैंक अकाउंट में मेरा क्रेडिट हो गया 28/8/2024 को। आप यहाँ पे देख सकते हो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरेंस हाउस की तरफ से ऑफिशियल ईमेल आया है। काइंडली वेरीफाई द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट इन द एफोरसेड बैंक, आया कि नहीं वो आप वेरीफाई कर लीजिए एक बार, और उसके बाद आपको पेमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको मैसेज भी शो कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो पहला मैसेज में 49 रुपीज़ का पेमेंट आया है, और दूसरा जो डिविडेंड है वहाँ पे 77 रुपीज़ का पेमेंट आया, तो 11 शेयर्स थे मेरे पास। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।